हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग फिर से नया टॉपिक लेके आ गए हैं। पिछले एक्सरसाइज में हमने 4.1 एक्सरसाइज में हमने 2 नंबर तक कर लिया था। 2 नंबर हो गया था हम लोग का। 3 नंबर का हमने ए नंबर भी कर लिया था। आज हम बी नंबर देखेंगे 3 नंबर का। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, 3 नंबर में आपका था सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाई ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको इक्वेशन सॉल्व करना था, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एक एक वैल्यू पुट करके देखना था। जो इक्वेशन में वैल्यू जितना एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा था, फिर उसी को हम लोग बोलते रहते कि ये जो है इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ओके, तो यहाँ पे आपका देखिए बी नंबर, ए नंबर हमने पिछले में कर लिया था। बी नंबर हम देखेंगे 3m-14 इज इक्वल टू 4। 3m-14 इज इक्वल टू 4, ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप, यहाँ पे हमने 4 से 5 से और 6 से ही क्यों किया, 1 से स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ऐसा है कि आप 1 जब यहाँ पुट करोगे, जैसे देखिए 3m-14 इज इक्वल टू 4, ये आपका इक्वेशन है। 3m-14 इज इक्वल टू 4 इक्वेशन है। इसमें जब आप 1 पुट करोगे, 3m के जगह 1 दोगे और -14 इज इक्वल टू 4, तो ये आपका क्या होगा, 3-14 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और ये आपका -11 इज नॉट इक्वल, आपका -11 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा लिया। और जब आप ये, जब आप 2 पुट करोगे, 2 हम लोग देख लेते हैं पुट करके, 3m-14 इज इक्वल टू 4, ये आपका इक्वेशन है। ओके, यहाँ पे आप जब 2 पुट करोगे, 3 और m की जगह 2-14 इज इक्वल टू 4, जब आपने 2 पुट किया तो ये आपका आ जाएगा 6-14 इज इक्वल टू 4, और ये आपका आ जाएगा -8 इज नॉट इक्वल टू 4। 2 भी आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं हुआ। ओके, ना ही 2 ना ही 1, दोनों में से कोई भी आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं हुआ। ना ही 2 से आपका इक्वेशन सॉल्व हुआ, ना ही 1 से हुआ। ओके, अब हम लोग यहाँ पे 3 से करके देखते हैं। अगर तो आप 3 इसको कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9। ओके, 9, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -5। ओके, यहाँ -5 हो जाएगा, -5 नॉट इक्वल टू 4, तो 3 जो है आपका 3, ये भी नहीं हुआ, ये भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपका नहीं हुआ। यहाँ पे आपका कौन कौन नहीं हुआ, 1, 2, 3, ये जो तीनों है। बाई पुटिंग द वैल्यू m इज इक्वल टू 6, m का वैल्यू हम लोग नेक्स्ट पुट करके देखेंगे, 6 पुट करके देखेंगे क्या आंसर आता है। तो यहाँ जब हमने 6 पुट किया, 3 × 6-14 इज इक्वल टू 4, 3m-14 इज इक्वल टू 4 आपका आंसर क्वेश्चन था। उसी में हमने m का वैल्यू 6 पुट किया है, 3 × 6-14 इज इक्वल टू 4 आया। ये आपका 3 × 6 18 हो गया, और ये आपका -14 इज इक्वल टू 4, और ये आपका 18 में से -4 करोगे तो 4 बचेगा। 18 में से -4 करोगे तो 4 बचेगा, और 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ भी 4 आ रहा है आपका आर एच एस की तरह, और एल एच एस की तरह भी आपका एल एच एस और आर एच एस दोनों में ही आपका 4 आ रहा है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि m का जो वैल्यू 6 है वो आपका आंसर है। ओके, देयरफॉर m इज इक्वल टू 6 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। m का जो वैल्यू 6 है वो इस इक्वेशन का जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन होना चाहिए वही है, इसलिए m का जो वैल्यू 6 होगा वही आपका आंसर होगा ये इक्वेशन का। ओके, सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बने रहो चैनल के साथ। नोटिफिकेशन में बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि आपको समय पर वीडियोस मिल जाए उसके नोटिफिकेशन। ओके, स्टे सेफ।